What's up viewers and welcome back। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस को होंडा सिविक पसंद है और क्यों इन द कमेंट सेक्शन, एंड जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगा या यूनिक लगा देन आई विल शोकेस दैट कमेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट होंडा, वी ऑल नो होंडा सिविक्स आर क्वाइट फेमस अमंग पेट्रोल हेड्स बिकॉज ऑफ द स्पोर्टी लुक, द स्पेसशिप टाइप इंटीरियर, एंड साथ ही साथ दे ऑल्सो केम इन वन ऑफ माई फेवरेट मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस। बट होंडा सिविक ज़्यादा फेमस तब हुई जब इनका लुक चेंज हुआ from hatchback to sedan from the 8th generation, because at that time this car became more sporty and a perfect car for modification, because civics un cars mein se hai jo stock mein to achhi lagti hai, sath hi sath agar in pe sober modification karwaye jaye ya thodi si bhi mods karwaye jaye to this car will become a perfect head turner, and the same thing I'm doing today on the upcoming Honda Civic 11th generation 2022 version। and jaise ki maine bataya guys, the car, the Civic is looking perfect in stock as you can see, but जो sober modes मैंने इसमें करे हैं उसके बाद जो look है वो आप लोग खुद देख लेना end में। So watch this video till end। So viewers, this is the upcoming Honda Civic, and जैसे कि मैंने बताया stock में it's looking very good, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, everything is looking so perfect, not like early Civic जो काफ़ी edgy थी, काफ़ी सारी lines थी उसमें और बहुत ही complicated design था उसका, but here everything is so smooth, और as you can see जो lines है वो बहुत ही कम use करी गई है और बहुत ही you know straight forward है। आप लोग देख सकते हो जो lines इसके front headlamp से जाके जो tail lamp तक जा रही है, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में इट्स लुकिंग बिट मोर लाइक होंडा एकॉर्ड, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली है तो दैट्स फाइन। एंड दिस टाइम होंडा गेव दिस कार ए लॉन्ग एंड वाइड हुड, एंड जो अपर बॉडी है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेच की गई है, जिसका रिजल्ट क्या होगा इन दिस कार, वी माइट गेट मोर स्पेस इन द कैबिन। जो इंटीरियर है वो थोड़ा स्पेशियस हो सकता है, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड इस गाड़ी में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी, दे यूज़ लेस क्रोम। आप लोग देखो होंडा की कोई भी गाड़ी उठाओ, कोई भी गाड़ी फ्रंट में या पूरे कार में दे यूज़ क्रोम सो मच, बट ऑन दिस कार एज यू कैन सी बहुत ही कम क्रोम यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और रियर में आप लोग देखो, रियर में भी बहुत ही स्मूथ डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा एलिमेंट डाले नहीं हैं। टेल लैम्प थोड़ी इस बार बड़ी है यू नो, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। एंड जो DRL है, आई होप ये DRL हो, वो भी काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। ऑल ओवर बात करें तो काफ़ी परफेक्ट कार लग रही है, एंड जैसे पुरानी सिविक्स ने इंडिया में रिस्पांस दिया, आई होप इसका भी जो रिस्पांस है वो अच्छा हो। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशन की। तो सबसे पहले एज यू कैन सी जो टायर्स हैं वो मैंने चेंज कर दिए, एंड टायर्स थोड़े वाइड टायर्स लगाए हैं मैंने विद द साइड फेंडर्स। मैंने हर वीडियो में बोला है अगर आप टायर्स चेंज करवाते हो, थोड़े वाइड टायर्स लगवाते हो अपनी गाड़ी में, तो फेंडर्स लगवाओ। यूनिवर्सल फेंडर्स आते हैं कार्स के लिए, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ फ्रंट में मैंने स्प्लिटर लगाया है और साइड में मैंने साइड स्कर्ट, एंड एज यू कैन सी दिस कार इज़ लुकिंग लाइक ए परफेक्ट JDM। सच बताऊँ तो गाइज, मुझे जो जैपनीज कार्स है ना वो बहुत पसंद लगती है, और जापान तो पसंद है ही, एक बार जाना ज़रूर है और वहाँ का जो कल्चर है, कार्स का कल्चर है वो देखना है। देखते हैं कब ये पेंडेमिक ख़त्म हुआ, कब जाने का मौका मिलेगा, बट बहुत मन है जाने का जापान। तो यहाँ पे जो डिटेलिंग वर्क है फ्रंट में एंड साइड फेंडर्स में डन, एंड जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो मैं चेंज करना चाहता था, बट मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि कार्स पे जो ग्रिल है वो मेरे को बड़ी ग्रिल अच्छी लगती है, बिकॉज वो एक लुक देती है, एक गाड़ी का जो लुक आता है ना वो फ्रंट से ही आता है। एंड यहाँ पे रियर में मैंने लगा दिया स्पॉइलर, एंड लुक के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा जो रूफ रैक है वो मैंने लगाया है, एंड आप भी लगा सकते हो, बिकॉज जिनको स्पेस का प्रॉब्लम होता है रूफ रैक सबसे बेस्ट आंसर है। द होल कार इज़ डन एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक ए परफेक्ट JDM। एंड अगर कोई अभी तक इस वीडियो को देख रहा हो, सो हिट दैट लाइक बटन अगर आप लोगों को मॉडिफिकेशन अच्छी लगी हो। एंड गाइज, अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी पे कोई भी आइडियाज़ चाहिए मॉडिफिकेशन के, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, DM कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बोथ द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया कार्बन फाइबर हुड और साथ ही साथ द येलो टिंटेड हेडलैम्प्स। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल इमेज, एंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस न्यू होंडा सिविक JDM वर्जन इज दिस। सो दिस इज द फाइनल इमेज, एंड एज यू कैन सी
द मोड्स आर लुकिंग सो परफेक्ट ऑन दिस अपकमिंग होंडा सिविक। एंड आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को ये वीडियो, ये मॉडिफिकेशन, ये नया लुक कैसा लग रहा है इन द कमेंट सेक्शन। एंड साथ ही साथ इफ यू लाइक दिस मॉडिफिकेशन, इफ यू लाइक दिस न्यू लुक, हिट दैट लाइक बटन। सो दैट्स इट गाइज। एंड इस होंडा सिविक का मैं एक हैचबैक वर्जन भी रेडी कर रहा हूँ, एंड अगर आप लोग को वो देखना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। सो दैट्स इट, न्यू वीडियोज कमिंग सून। टिल देन स्टे ट्यून एंड पीस आउट।